जेएनयू विवाद पर बोले डी राजा, लेफ्ट को देशभक्ति ना सिखाए आरएसएस। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार को अरेस्ट करने पर सीपीआई लीडर डी राजा ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बीजेपी और एवीपीबी के कहने पर एक्शन लिया। वहीं स्मृति ईरानी ने पूरे विवाद पर कहा कि देश भारत माँ का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत माँ का जयगान हो, जय घोष हो, भारत माँ का अपमान ये राष्ट्र कभी सहन नहीं कर सकता। सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, महिलाओं का मंदिर में जाना क्यों है बैन। केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बोर्ड और सरकार से पूछा कि जब वेदों उपनिषदों में लेडीज और जेंट्स के बीच कोई फर्क नहीं है तो मंदिर में ऐसी प्रथा क्यों। आईपीएल 2013 में मैच फिक्सिंग के आरोपी पाक अंपायर रऊफ 5 साल के लिए बैन। बीसीसीआई के मुताबिक रऊफ के एंटी करप्शन कोड फॉलो न करने पर ये फैसला लिया गया। अब रऊफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के किसी भी इवेंट का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। अमेरिका को रूस की वार्निंग, सीरिया में अरब के सैनिक आए तो भड़केगा वर्ल्ड वॉर। रूसी प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने वार्निंग दी है कि अगर सीरिया के वॉर में अरब देशों के सैनिक आते हैं तो उससे वर्ल्ड वॉर शुरू होगा। रूस की ओर से वॉर रोकने का प्रपोजल दिया गया है। करीना और अर्जुन कपूर की अपकमिंग फिल्म की एंड का ट्रेलर 15 फरवरी को आएगा। सामने आया वीडियो की एंड की शुरुआत नहीं की एंड की शुरुआत है की एंड का शुरुआत नहीं नहीं की है का है तो की एंड का क्या है पुल्लिंग स्त्रीलिंग। शट अप ना, बैक टू की एंड का ट्रेलर लॉन्च कमिंग सून। हां देखना मत भूलिए 15 फेब। नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए दैनिक भास्कर .com।